बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, देखें, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारा टेंसेस का जो है पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी कन्वर्जेशन का। कन्वर्जेशन किसे कहते हैं? कन्वर्जेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, उसको हम कन्वर्जेट कहते हैं, कन्वर्जेशन कहते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो वो एक कन्वर्जेट होगी, हम दोनों आपस में कन्वर्जेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कन्वर्जेशन का पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन का। ये इंट्रोडक्शन जो है वो नूर और लाइबा के बीच में, जो कि दोनों एक जो है ना पहली दफा मुलाकात होती है उनकी, और एक यूनिवर्सिटी में वहाँ वो जो है आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और सबसे पहली जो मुलाकात होती है जब भी हम किसी से करते हैं तो हम उसके बारे में जानते हैं, तो यही हमारा इंट्रोडक्शन होगा। और इंट्रोडक्शन के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ना वेरी फर्स्ट क्लास, कि इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। हमारी बातचीत में सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन ही आती है, और इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस तरह के हैं, हमें ये भी बताते हैं। जब तक हमें हमारा तारुफ ही नहीं देना आएगा तब तक हमारी आगे जो है ना कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करेगा। जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था अपने इंट्रोडक्शन का टॉपिक, वो जो था ना वो हम अपना मतलब जैसे इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे होते हैं तो हम वो कैसे दे रहे होते हैं वो हमने सीखा था। अभी जो है ना हम देंगे भी और लेंगे भी, ठीक है। तो जैसे नूर जो है वो लाइबा से भी सवाल करेगी और लाइबा जो है वो नूर से भी सवाल करेगी, तो दोनों एक दूसरे से सवाल करेंगे आपस में। तो देना भी आना चाहिए, और फिर जब देना आ जाएगा हमें अपना हमारा इंट्रोडक्शन तो हमें लेना भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। नूर, हाय, आई एम नूर, व्हाट्स योर नेम? जिस तरह से पढ़ना चाहिए इंग्लिश में, ऑब्वियसली जब सवाल हो तो ऐसा लगना चाहिए कि हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जब उर्दू में भी बात करते हैं आपस में तो हमें लग रहा होता है कि हाँ जी सामने वाला सवाल पूछ रहा है या हमें कोई चीज बता रहा है, तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। नूर, हाय, आई एम नूर, व्हाट्स योर नेम? लाइबा, हाय, आई एम लाइबा, हाउ आर यू? नूर, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? ओके, नूर, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? लाइबा, आई एम आल्सो गुड। नूर, हाउ ओल्ड आर यू? लाइबा, आई एम 18 इयर्स ओल्ड। एंड व्हाट एज ऑफ योर्स? No, same here. I'm also 18 years old. Laiba, where are you from? No, I'm from Pakistan. And where are you from? Laiba, I'm also from Pakistan. No, oh, it's so nice. Where do you live? Laiba, I live in Lahore, but I came to Karachi for studies. No, oh, nice. Laiba, where do you live? No, I live in Karachi. Laiba, oh lucky. How many members in your family? Noor, I have 5 members in my family. Noor, how many members in your family? Laiba, I have 4 members in my family. Noor, do you have any siblings? Laiba, yes, I have 1 elder brother. Noor, what is his name? Laiba, his name is Ahmad. Noor, oh, Ahmad is very nice name. Laiba, do you have any siblings? Noor, yes, I have 1 brother and 1 sister. Laiba, what are their names? Noor, my brother name is Affan and my sister name is Aman. Laiba, are you the oldest amongst your brother and sister? Noor, yes. Laiba, what does your father and mother do? Noor, my father is a businessman and my mother is a housewife. Noor, what does your parents do? Laiba, my father is a broker and my mother is a housewife. Laiba, what does your father and mother like? Noor, my father likes to play cricket and my mother likes cooking. Noor, what does your parents like? Laiba, my father likes to watch news and my mother li also likes cooking. Wait a minute. Okay. Noor, what is your favorite sport? Laiba, my favorite sport is cricket. And what is your favorite sport? Noor, I like to play badminton. Laiba, oh,
इट्स टू लेट, आई थिंक आई कैन लीव नाउ. नूर, यस यू आर राइट, ओके नाइस मीटिंग यू लाइबा, सी यू लेटर. लाइबा, यस श्योर व्हाई नॉट, बाय. नूर, बाय. मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ, ठीक है. नूर, हाय आई एम नूर, व्हाट्स योर नेम? हाय मैं नूर हूँ, आपका क्या नाम है? लाइबा, हाय आई एम लाइबा, हाउ आर यू? हाय मैं लाइबा हूँ, आप कैसी हैं? नूर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. वॉट अबाउट यू, और आप कैसी हैं? लाइबा, आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ. नूर, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल की हैं? लाइबा, आई एम 18 years ओल्ड, मैं 18 साल की हूँ. वॉट एज ऑफ योर्स, और आपकी क्या एज है? नूर, सेम टू, आई एम ऑल्सो 18 years ओल्ड, बिल सेम है, मैं भी 18 साल की हूँ. लाइबा, वेयर आर यू फ्रॉम? नूर, सॉरी, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम ये बोल रहे हो कि हमारी नेशनलिटी कहाँ की है, या हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने कंट्री का नाम लिखेंगे, ठीक है. और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम अपनी सिटी का नाम लिखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं. तो बहुत से लोग होते हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनकी नेशनलिटी जो है वो यहाँ की होती है, बट वो रहते हैं अमेरिका के किसी शहर में, किसी खत्ते में रहते हैं. तो बहुत से लोग जो है वो सवाल अब करने लगे हैं कि आप कहाँ से हैं और आप रहते कहाँ. ये दो अलग अलग सवाल है, और इसमें बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना. आप कहाँ से हैं, यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी आएगी कि आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, और आप कहाँ रहते हैं वहाँ पे आपकी सिटी का या सिटी का ही नेम आता है मोस्टली, ठीक है. तो लाइबा ने जब नूर से पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसको भी लगा शायद ये नूर जो है वो कहीं और से आई होगी, पाकिस्तान कराची स्टडीज के लिए. तो इसी तरह से तो लाइबा ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? नूर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ. एंड वेयर आर यू फ्रॉम, और आप कहाँ से हैं? लाइबा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान से हूँ. नूर, ओह इट्स सो नाइस, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है. एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया. लाइबा, आई लिव इन लाहौर, बट आई केम स्टडीज फॉर, सॉरी आई केम कराची फॉर स्टडीज, मैं लाहौर में रहती हूँ. अब देखें, वो आई कराची थी और रहती वो लाहौर में थी, ठीक है ना. तो आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहती हूँ, मगर बट लेकिन मैं कराची आई हूँ स्टडीज के लिए. नूर, ओह नाइस, ओह अच्छा. लाइबा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं? नूर, आई लिव इन कराची, मैं कराची में ही रहती हूँ. लाइबा, ओह लकी. अब लाइबा ने लकी क्यों बोला? लाइबा ने लकी इसलिए बोला क्योंकि उसको लाहौर से अपना घर फैमिली को छोड़ के आना पड़ा था कराची में अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, और नूर जो है वो कराची में ही रहती थी और वहीं पे वो अपनी तालीम मुकम्मल करती. तो इसलिए उसने बोला वो लकी, मतलब नूर को अपना घर बार अपने फैमिली को छोड़ना नहीं पड़ा, जिस तरह से लाइबा छोड़कर आई, ठीक है. तो इसलिए उसने लकी बोला. ओके, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने अफराद रहते हैं? नूर, आई हैव 5 members इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 5 अफराद रहते हैं. नूर, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं? लाइबा, आई हैव 4 members इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 4 अफराद हैं, 4 members हैं. नूर, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई, दोनों शुमार हो जाते हैं इसमें, बहन भी रहती है शुमार, सॉरी बहन और भाई दोनों के लिए सिबलिंग्स ही वर्ड यूज होता है. लेकिन अगर आप पूछें कि हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो फिर अलग से वो फिर ब्रदर्स के लिए आ जाएगा, और सिस्टर्स के लिए फिर इस तरह से हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव. पर यहाँ पे सिंपल से पूछा जा रहा है कि आपके बहन भाई ही कितने हैं टोटल, तो डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, या आपके बहन भाई हैं भी या नहीं, तो वो इस तरह से पूछा जा रहा है. तो नूर ने पूछा डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके कोई बहन भाई हैं? लाइबा, यस आई हैव वन एल्डर ब्रदर, आई हैव वन एल्डर ब्रदर, तो मेरा एक बड़ा भाई है. नूर, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? लाइबा, हिज नेम इज अहमद, उसका नाम अहमद है. नूर, ओह अहमद इज अ वेरी नाइस नेम, अहमद तो बहुत ही प्यारा नाम है. लाइबा, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके बहन भाई हैं? नूर, यस आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, जी हाँ मेरा एक भाई और एक बहन है.
अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस चीज पे, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि लाइबा से जब नू ने सवाल किया था डू यू हैव एनी सिबलिंग्स वाला, तो लाइबा ने पहले बता दिया था कि आई हैव वन एल्डर ब्रदर, मेरा एक भाई तो है लेकिन वो बड़ा है, उसने एक ही जुमले में क्लियर कर दी थी ये बात। बट अगर आप नूर के जुमले में गौर करें, नूर के आंसर पे गौर करें, तो उसने ये चीज मेंशन नहीं की थी कि आपका एक भाई, मतलब मेरा जो भाई है वो बड़ा है या मेरी बहन जो है वो बड़ी है या छोटी है, तो उसने ये चीज मेंशन नहीं की। तो सब बोलते थे हाँ बस मेरा एक भाई और एक बहन है। तो अब आगे देखिएगा वो क्या सवाल पूछेगी लाइबा। लाइबा, व्हाट आर देयर नेम्स, पहले तो उसने नाम पूछे कि उनके नाम क्या है। तो नून ने बताया मेरा ब्रदर नेम इज अफान एंड माय सिस्टर नेम इज एमन, कि मेरे भाई का नाम अफान है और मेरी बहन का नाम जो एमन है। लाइबा ने अब क्या सवाल पूछा नूर से कि आर यू द ओल्डेस्ट अमंगेस्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने बहन और भाई से बड़ी हैं क्या? क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया था ना नूर ने, इसलिए आगे से ये सवाल उसने पूछा। अगर वो मेंशन कर रही थी कि आई हैव वन यंगर सिस्टर एंड वन यंगर ब्रदर, तो जो है वो ये सवाल नहीं पूछती। अगर उसने ये मेंशन नहीं किया था, इसलिए वो लाइबा ने ये सवाल पूछा कि आप अपने बहन भाई से बड़ी हैं क्या? तो नूर, यस। लाइबा, व्हाट डज योर फादर एंड मदर डू, आपके फादर और मदर क्या करते हैं? नूर, माई फादर इज अ बिजनेस मैन, मेरे फादर एक बिजनेस मैन है और मेरी मदर माई इज अ हाउस वाइफ, और मेरी मदर जो है वो एक हाउस वाइफ है। नूर, व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? अच्छा, एक बात इसमें ये भी होती है कि देखें, आप अपने सवाल को जितना शॉर्टली पूछ सकते हैं आपको पूछना चाहिए, जितना शॉर्ट, आजकल जो है दुनिया बहुत शॉर्टकट हो गई है, तो जितना शॉर्ट में हम सवाल पूछ सकते हैं उतना हमें पूछना चाहिए। जैसे लाइबा ने पूछा व्हाट डज योर फादर एंड मदर डू, मतलब फादर अदर मदर अलग, तो लंबा सवाल हो गया। और नूर ने पूछा व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, सिंपल पूछ लिया ना, पेरेंट्स में भी तो दोनों शुमार हो जाते हैं ना। तो अपने सवाल को, अपने जवाब को, दोनों को जितना शॉर्ट बोल सकते हैं उतना पूछते हैं, उतना बोलें, ठीक है? ठीक है जी। तो लाइबा ने बोला माई फादर इज अ ब्रोकर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरे फादर एक ब्रोकर है और मेरी मदर जो है वो एक हाउस वाइफ है। लाइबा, व्हाट इज योर फादर एंड मदर लाइक, लेकिन फिर उसने जो है वो इतना लंबा सवाल पूछा, फादर एंड मदर लाइक, आपके फादर और मदर को क्या पसंद है? नो, माई फादर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड माई मदर लाइक्स कुकिंग, मेरे फादर को क्रिकेट खेलना पसंद है और मेरी मदर को कुकिंग। नो, व्हाट इज योर पेरेंट्स लाइक, नूर ने फिर से शॉर्ट सवाल पूछा, व्हाट डज योर पेरेंट्स लाइक? लाइबा, माय फादर लाइक्स टू वॉच न्यूज एंड मदर लाइक्स आल्सो कुकिंग, मेरे फादर जो है उनको न्यूज देखना पसंद है और मेरी मदर को कुकिंग। नूर, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? लाइबा, माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, मेरा फेवरेट स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। एंड व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, और तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? नूर, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। सुन, लाइबा, ओह इट्स टू लेट, आई थिंक आई कैन लीव नाउ। लाइबा, ओह ये तो बहुत देर हो गई, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अब। नूर, यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ओके, नाइस मीटिंग यू। लाइबा, नो, यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ओके, नाइस मीटिंग यू लाइबा, सी यू लेटर। ओके, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा लाइबा, हम फिर बाद में मिलते हैं। लाइबा, यस श्योर, व्हाई नॉट, हाँ, क्यों नहीं, बाय। नो, बाय। ये थी हमारी कन्वर्सेशन छोटी सी, अब जो है वो होगा ये लाइव क्लास में मंडे को। मैं जो है किसी भी मतलब कोई भी दो स्टूडेंट्स को मैं बोल दूंगी, वो आपस में कन्वर्जेट करेंगी। जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ यही सेंटेंस, यही क्वेश्चंस पूछें और यही आंसर्स दें। आंसर्स तो खैर बिल्कुल भी ये नहीं देने, आपने अपने लाइफ से रिलेटेड जो है वो ये आंसर देने होंगे। और क्वेश्चंस का यह है कि अगर आप लोग और भी मजीद इसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकें तो आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लास्ट में जो था वो उसको देर हो रही थी जाने के लिए, तो
यहाँ पे आप लोग भी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे देर हो रही है जाने के लिए, तो मैं जा रही। ठीक है, हर मौके की मुनासिबत से जो है वो हम सवाल सॉरी सेंटेंस बोलते हैं। तो आगे हम करते हैं अपने वोकेबलरी। आज की जो हमारी वोकेबलरी है वो पर्सनैलिटी वोकेबलरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अमियाबल मिलनसार, नेबली या इनोसेंट मीन सादगी, सुपरस्टिशियस मीन्स वहमी, लेजी या स्लगिश मीन्स सुस्त, कॉशियस मोहतात रहने वाला, स्टंट बेरहम, सिंपैथेटिक हमदर्द, कंपैशनेट रहम दिल, इम्प्यूडेंट बेअदब, मॉडेस्ट बाहया, ऑब्स्टिनेट जिद करने वाला, टेडियस उकसा जाने वाला या तंग आ जाने वाला, इंटरेस्टिंग तफरी पसंद करने वाला, ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद पसंद, पेसिमिस्टिक मायूस, सेंसिटिव या टची मीन्स हसास, ब्रेव बहादुर, सजियोस्टिकल खुदहर्ज, एनवीएस हसद हसद करने वाला जैसे हम कहते। ठीक है, क्राफ्टी मक्कार होना, रेसिफुल धोखेबाज, डेलिजेंट मेहनती, हाउटी महरूर होना, रेकलेस बेफिक्र, फीबल कमजोर होना, मोरोस तुरश मिजाज, उदास या चिड़चिड़ा कोई भी मीनिंग हो सकती है, प्रूडेंट अकिल, कोरेजियस हौसले वाला। यही था आपकी आज की चार्ज, और होमवर्क आपका यही है कि प्रेजेंटेशन कभी आपको मैंने याद करनी है, कन्वर्सेशन किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और टेंसेस के टॉपिक के अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मंडे को लाइव क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा टेंसेस का, तो बी रेडी फॉर दैट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। क्लास एंड करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।